सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी ढाबा को। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो पहुंच सके। जिन्होंने हमारे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज दो खंडे के टिफिन में बहुत सारा आपको खाना बनाना बता रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन हमने सब करके रखी है कि हमें दो खंडे के टिफिन में खाना को ज्यादा से ज्यादा कैसे पकाना है। तो हमने ये दो खंडे के टिफिन है, ये हम दो लोगों का खाना बनाना आपको बता रहे हैं। तो ये दो खंडे के टिफिन है, तो इसमें सबसे पहले हमें चावल रख लेना है। तो हमने एक कटोरी चावल को तीन पानी में धो लिया था, उसके बाद आधा घंटा तक हमने इसे भिगो दिया था। एक कटोरी चावल है तो इसमें हमने नाप के दो कटोरी पानी लिया है। हाँ, ये सबसे नीचे वाले खंचे में हमने चावल रख दिया है। एक कटोरी चावल में दो कटोरी पानी और ये छोटी चम्मच क्योंकि छोटी कटोरी चावल बना रहे हैं, ये आधी चम्मच शक्कर है। इसे वेल मिक्स कर देंगे एक बार। उसके बाद हम ये दूसरे खंड में दाल रखेंगे। ये दाल को भी हमने दो से तीन पानी में भिगो ली थी, आधा घंटा पानी डाला था, अभी हमने पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें अंदाज से बहुत सारा पानी डाल दें जिससे दाल अच्छे से भीग जाए हमारी। ये मूंग की दाल है, ये मूंग की दाल को भी हमने धो लिया था, ये मूंग की दाल भी हम इसके साथ रख देंगे। इसमें भी हमने बहुत सारा पानी डाला है। ये दोनों दालों में हम नमक डाल देंगे और पानी हमने अच्छा बहुत सारा डाल दिया है कि कम ना पड़े, डूब गई दाल पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दोनों में हल्दी डाल देंगे। इतनी तैयारी के बाद हम कुकर को एक प्लेट रख लेंगे और पानी डाल देंगे कुकर में। कम से कम डेढ़ गिलास पानी हमें कुकर में डालना है। उसके बाद हमें ये दोनों डिब्बे उठाकर जो हमने दाल चावल से तैयार किए हैं इसमें रख देना है। देखिए, हमने ये दोनों डिब्बे रख दिए हैं। उसके बाद हम जितनी कुकर में प्लेट आ जाती है, ढक्कन आ जाता है, वो रख देंगे। अब हमें क्या करना है, ये लौकी हमने छील कर काट ली है छोटे छोटे पीस में। अब हम लौकी की सब्जी को बनाना है, इसलिए हम लौकी रख देंगे। ये आलू के पीस हमने छील लिए हैं और छोटे छोटे पीसों में काट लिए हैं। चाहे तो हम आलू, यदि हमारा ढक्कन छोटा रहता तो चाहे तो हम आलू आजू बाजू में भी, बिना छिले जो रहते हैं आजू बाजू में भी हम डालकर उबाल सकते हैं। उसके बाद हम एक टमाटर रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। ये टमाटर को हमने बीच में से कट कर लिया है, इस प्रकार से कट कर लिए हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी बजा लेंगे मीडियम आंच में रखकर। देखिए, और हम 3 से 4 सीटी मीडियम आंच पर बजा लेंगे। कुकर ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। देखिए, टमाटर आलू सब अच्छी तरह हो गए हैं। ये टमाटर को हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम मिक्सी में के जार में रख लेंगे, ठंडे होंगे। तो इसे हम 2 मिर्ची डालकर पीस लेंगे। देखिए, ये लौकी आलू दोनों अच्छी तरह से हो गए हैं। देखिए, दाल चावल निकाल लेते हैं। देखिए, दाल भी अच्छी हो गई, मूंग की दाल भी अच्छी हो गई है और ये तुअर की दाल भी अच्छी तरह से हो गई है। और हम चावल और देख लेते हैं। ये चावल
देखिए दाल कितनी अच्छी हो गई है, मैं आपको चम्मच से बताती हूँ, है ना। वाह, चावल भी बहुत अच्छे से हो गए। अभी गरम गरम है, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, ठंडा होने से मैं थोड़ा सा अच्छा और कड़क आ जाएगा। गरम चावल में हम घी डाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये लौकी भी अच्छी तरह उबल गई है। मैंने आपको एक एक करके सभी चीजें बता दी है। आलू भी बहुत अच्छी तरह से उबल गए हैं। अब लौकी बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, सिर्फ आधी चम्मच हम तेल गरम करके आधी चम्मच हम सरसों ले लेंगे। उसके बाद हमने एक वीडियो डाली है, एक तैयार मसाले से बनाए हर सब्जी। तो इतने लौकी में एक चम्मच मसाला लेना है और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको मेरी ये वीडियो खूब अच्छी लगती है कि आपको लगता है कि हाँ ये सही वीडियो बनी है, आपको बेनिफिट लगता है इस वीडियो से, तो आप मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिए। यदि आप मेरे चैनल के मेंबर नहीं बने अभी तक, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। और दोस्तों, अभी जो मैंने छोटे टिफिन में लिए हैं, 2 से 3 मेंबर के लिए खाना बनाया है। आपको यदि 5 से 7 मेंबर के लिए खाना बनाना है तो आप ये उसी कुकर में, ये इतने बड़े डिब्बे भी आ जाते हैं, तो आप इस प्रकार से बड़े डिब्बे में 5 से 7 मेंबर का खाना बना सकते हैं। तो एक मैं नई वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों।